अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पारस पे मेरा आई थिंक दूसरा या तीसरा एक्सपीरियंस है। मैं रेगुलर नहीं वहाँ जाती, वहाँ पर नॉर्मली आर्ट्स के स्टूडेंट्स जाते हैं, बट क्योंकि मुझे स्केचिंग का शौक़ हुआ हुआ है और मैं कर भी लेती हूँ, मैंने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली हुई है। वहाँ बहुत टेक्निकल बातें मुझसे पूछ रहे थे जिनका मुझे आंसर नहीं पता था, तो उन्होंने कहा अभी जो हैं आप उनको इस्तेमाल करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक नॉलेज ग्रो होगी। तो फिर लाइक ब्रशेस की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, पेंसिल्स की इतनी वैरायटी थी और टाइप ऑफ पेंसिल्स बहुत थी, कलर पेंसिल्स की बहुत टाइप थी, कलर्स बहुत थे। एक चीज़ वहाँ से मैं भूल गई लाना, जब वहाँ से निकली तो मुझे याद आया, मुझे एक जेल पेन चाहिए था वाइट में और गोल्ड में, क्योंकि मैं नॉर्मली लहंगों की जो स्केचिंग करती हूँ उसमें मुझे काम को हाईलाइट करने के लिए वाइट जेल पेन और गोल्ड जेल पेन और वाई सिल्वर भी चाहिए था। तो मैंने ठीक है सोचा नेक्स्ट ट्रिप में इंशाल्लाह ये चीज़ें भी ले लूँगी। तो अभी तो मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं दिखा देती हूँ और मैं शॉप का भी बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर। मैं काफ़ी ओवरवेल्म हो गई थी क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा वेराइटी थी और मेरी नॉलेज उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। हाँ मैं स्केचिंग कर लेती हूँ, मैंने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन क्योंकि मुझे शौक़ है तो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने आई थिंक थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, मैं दिखाती हूँ। अब जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ेगी तो फिर मैं वहाँ से फिर तो मैं इतनी शॉपिंग करूँगी कि सब देखेंगे। मैं दिखाती हूँ, ये मैंने फेबर कासल की पेंसिल्स ली हैं। इसका बड़ा वाला पैक भी था बट पहले मैंने कहा मैं इसको ट्राई कर लूँ, अगर ये मेरे मतलब हाथ पे बैठा तो फिर मैं लूँगी। और मैंने एक बड़ा वाला थोड़ा सा रिलेटिवली चीपर था, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मुझे इकनॉमिकल पड़ रहा था 350 में, बट वो ये कह रहे थे कि इसके जो शेड्स हैं ना वो प्रोफेशनल हैं। तो पहले मैंने कहा मैं इन पे प्रैक्टिस कर लूँ फिर ये भी ले लूँगी। तो ये मैंने दो ख़रीदे। उसके बाद पेंसिल्स थी उनके पास बहुत वैरायटी थी, इवन कलर पेंसिल्स में भी बहुत वैरायटी थी। तो मैं तो ऐसे बोल रही थी कि सबसे ज़्यादा डार्क मुझे दें, 7B आई थिंक सेकेंड डार्कर है और 9B सबसे ज़्यादा ब्लैक है और सबसे सेकंड लास्ट आई थिंक 2B जो है वो ग्रेश थोड़ा शेड के लिए। तो अभी मैंने ये पेंसिल्स ली हैं, पेंसिल्स में बहुत वैरायटी थी। और मैंने दो स्केच बुक्स ली, एक थोड़े छोटे साइज़ में ली, जिसकी प्राइस क्या है ये आई थिंक 160 की है, पता नहीं ये प्राइस है या ये प्राइस है, अच्छा नहीं पारस लिखा है, ठीक है 160 का, तो कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब मुझे था अगर बहुत एक्सपेंसिव है तो फिर मुझे इतने पेजेस में ध्यान से यूज़ करूँगी। अच्छा ये देखूँ बड़ा वाला, इसकी प्राइस ही उन्होंने हटा दी। अच्छा ये बड़ा वाला, आई थिंक मुझे यही वाला यूज़ करना होगा स्केचेस के लिए। तो ये मेरी सो फार शॉपिंग है जो मैंने पारस से की है। बाकी ये कि शॉप का देखें, फाइनली पारस पे पहुंच गए, अभी अंदर जाके दिखा। बोर्ड ही इतना टेम्पटिंग लग रहा है, मैं अंदर जाके बता दूँ। सो आई मेट पारस, इनके पास बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है, कलर्स सारे फाइन आर्ट के सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो यहीं से आके लेके जाते हैं। ये देखें कलर बॉक्सेस, पेंट्स, हर तरह का आपको मटेरियल यहाँ मिलेगा। मैंने स्केच बुक लेनी है बट अभी मैं उसका साइज़ चेक कर रही हूँ कि स्केच बुक कौन सा। सी द मार्कर, ओ माय गुडनेस, ऑरेंज में भी है एंड दिस ब्राउन आल्सो एंड दिस येलो आल्सो, अमेजिंग वैरायटी। आप मुझे दिखाएंगे स्केच बुक के साइजेस कौन कौन से? ये वाला साइज अच्छा, 11-14 होगा। दिखाएं दूसरा साइज, दिखाएं इससे थोड़ा छोटा वाला दिखाएं, ये साइज है मैम। हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ छोटे मैम पे ये है, ठीक है इनसे छोटे मैम, अच्छा इनसे छोटे भी हैं। आई थिंक मुझे ये वाला और ये दो आप निकाल दीजिए। इनका साइज का नाम क्या है? ये मिस 11x14 है और ये है 12x16। ठीक है ये दो निकाल दीजिए और मुझे कलर पेंसिल्स भी दिखाइएगा, वो जो स्केचिंग में शेड कलर देना होता है ना, बच्चों वाले कलर पेंसिल नहीं, थोड़ा सा अच्छे जिनका पे आउट अच्छा हो ना कलर का। ये ब्लू बटके में ये और बताएं, मतलब ये तो कम है फेबर कासल, तो वो जो बच्चे यूज़ करते हैं वही है ना जी मैम, लेकिन जिसका पे आउट स्केच बुक पे अच्छा है वो इसके बड़ी वाली बताएं कौन सा वाला। फोर्टी एट वाला दिखाएं, इसको मैं यहाँ रख लूँ।
दिखाएगा। अच्छा ये वही रिजल्ट्स वही हैं जो छोटे वाले के रिजल्ट्स हैं। प्राइस क्या है उसकी? अच्छा और इसमें 48 शेड्स हैं। और वो छोटा वाला भी दिखाएं मैं देखूं अगर उसमें बेसिक कलर्स हो रहे हैं तो। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि ये 600 का है और ये 170 का, दोनों का रिजल्ट डिफरेंट होंगे। जी बताएँ। इस वाले के ब्राइटो के जी अच्छा 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 यही पूछना चाह रही थी मैं आपसे। ठीक है ठीक है। अच्छा ये जो ब्राइटो है इसमें बड़ा वाला होता है उसके 12 कलर? ये पेंसिल्स के अंदर क्या है? ये भी कलर पेंसिल इसके 24। आई थिंक ये ब्राइटो आप मुझे दे दीजिए 24 वाला। और मैं फेबर कासल का भी एक यूज़ करना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं ना प्रोफेशनल शेड्स इसमें आएंगे तो ये भी दे दीजिए दोनों। और मुझे ये जी अलग अलग शेड है जिस तरह लाइट शेड होते हैं HB 2B 4B 6B फिर ये अलग मीडियम मीडियम बताएं थोड़ा सा लाइट। अच्छा ये लिखा ये सर अच्छा सही। इसमें मैम ये नंबर लिखे हुए नीचे HB 2B 4B 6B फिर ये लाइट शेड होती है डार्क शेड होती है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो आई थिंक आप मुझे एक दे दें थोड़ा सा डार्क या मैक्सिमम डार्क दे दें। मैक्सिमम डार्क दे दें और एक उससे लाइट दे दें। बाकी शेडिंग तो हमारे हाथ में होती है हम कंट्रोल कर लेते हैं तो। लेकिन मैं इसका इफेक्ट चेक करना चाह रही हूँ तो आप मुझे एक सबसे बड़ा डार्क कौन सा होगा? सबसे बड़ा डार्क 6B 9B तक आप। अच्छा 9B दिखाएं कौन सा? ये 9B है। अच्छा 9B ये 7B है। हाँ तो 9 और 7 दे दीजिए मुझे। इनकी प्राइस क्या है? 35 रुपीज़। 9 और 7 लिए ना, मुझे याद भी रहे ना कि मैंने 9 और 7 लिए। और एक आप मुझे जो सेकंड लास्ट लाइटेस्ट है ना सबसे लाइट वाला बताएं कौन सा है? B और उससे एक नंबर डालकर 2B। हाँ हाँ वो दे दीजिए। मैं चेक करना चाह रही हूँ कि उससे शेडिंग में अगर कोई डिफरेंस आए। 2B हाँ 2B भी दे दीजिए। ठीक है 3 दे दीजिए। अच्छा मुझे अच्छा सा शार्पनर भी दे दीजिएगा। और हाँ शार्पनर ये मैम पेस्टल पेंसिल होती है, वाटर कलर पेंसिल जो होती है ये अलग अलग होती है। अच्छा वाटर कलर क्या मतलब आपका? जिस तरह वो पानी के अंदर हल्का सा ब्रश डिप करके। नहीं ये तो पेंसिल है ना। जी मैम ब्रश को पानी के अंदर डिप करके ठीक है फिर उनके ऊपर ये वाटर कलर। ओके लूँ इसमें से कोई आपको लग रहा है कि इसको इसका भी इफेक्ट आएगा? पहले आप इनसे क्यों इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है? इंटरनेट जिंदाबाद सब कुछ समझ आ जाएगा। मुझे क्यों लग रहा है इसका रेड कलर लेकर ट्राई करके देखूं? इनके भी मैम किट्स आते हैं 12, 24, 36। अच्छा ये फिर ज़्यादा अच्छा होगा ना। ये क्या प्राइस है इसकी? ये तो मैम नॉर्मल पेंसिल है। नॉर्मल पेंसिल है वो जो आप वाटर कलर कह रहे हैं वो कौन सी है? वाटर कलर यही फेबर कास्टल के लिए। अच्छा वाटर कलर पेपर का से ये एक ब्रश के निशान भी दिए हुए। सो मच डिटेलिंग। और इसके शेड्स बताइए मुझे। फिलहाल तो मैम इसमें ग्रीन पड़ा होगा। ये वाले सारे इसी के शेड्स हैं? ये मिक्स पड़े। अच्छा मिक्स पड़े हैं। ठीक है फिर आप सही कह रहे हैं। मैं फेबर कासल का पहले स्केचेस से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो मैं देती रहूँगी, बनाती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। स्केचेस की आई थिंक मेरी प्लेलिस्ट मैंने अभी बनाई नहीं है क्योंकि ज़्यादा मेरे पास उसकी वीडियोज़ हैं नहीं, बट जैसे जैसे स्केचेस के बनते जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, बाय।